लव्य व्यवस्था अध्याय छे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धनोहर व लेनदेन व लूट के विषय में अपने भाई से छल करे व उस पर अंधेर करे व पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों न हो जिससे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो सब जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूटी व अंधेर करके व धरोहर व पड़ी पाई हो, चाहे कोई वस्तु क्यों न हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और पांचवा भाग भी बढ़ाकर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे और वह यहोवा के सन्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेंढा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी। भांति भांति के बलिदानों की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होमबलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होमबलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होमबलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रख, और तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बूझने न पाए। अन्नबलि की व्यवस्था इस प्रकार है कि हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए और वह अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्नबलि के स्मरणार्थ के इस भाग को यहोवा के सन्मुख सुगंधदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए और उसमें से जो शेष रह जाए उसे हारून और उसके पुत्र खा जाए, वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू के आंगन में उसे खाए, वह खमीर के साथ पकाया न जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छुए वह पवित्र ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ावा चढ़ाएगा, अर्थात एपा का दसवां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए और उसमें से आधा भोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए, तब तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्न बलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना और उसके पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उसी प्रकार का चढ़ावा चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सन्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाए जाए, वह कभी न खाया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में
पाप बलि पशु भी यहोवा के सन्मुख बलि किया जाए, वह परम पवित्र है। और जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लोहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना, और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में सिझाया गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए, और याजक में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं। पर जिस पाप बलि पशु के लोहों में से कुछ भी खून मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, तब तो उसका मांस कभी न खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए।